सुंदर आईब्रो बिना किसी दर्द के या कट लगे अपनी आंखों पर बचाव क्यों है? कैसे आप खुद से घर पर अपने आप या किसी और पर कैसे आप कर सकते हैं? और इसको करने के बाद जो आपकी यहाँ पर आईब्रो पर जो रैशेज आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ सकते हैं, उनसे आप अपनी कैसे बचाव कर सकते हो, ये आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपने देखना है कि सबसे पहले हमें जो है वो करना क्या होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि आईब्रो हमारी है क्या और उसकी जो है वो शेप क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ब्लैक कलर की पेंसिल और उससे जो है हम अपनी आईब्रो को शेप देते हैं कि हमें जो है अपनी आईब्रो जो है सिर्फ इसी पोर्शन पे चाहिए, इससे अलग नहीं चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं ब्रश, हम लेते हैं ब्रश, ब्रश से जो है हम आईब्रो को ऊपर की तरफ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी आईब्रो पर जो बाल जो हेयर ग्रोथ हुई है वो कौन सी जो है एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हुई है। उसके बाद हमने लेनी है छोटी सी सीजर, हम जो है छोटी सी सीजर से जो है हमारे जो ऊपर की बालों की ग्रोथ जो ज़्यादा हो गई है उसको जो है हम इस तरीके से कट करते हैं। ये देखिए अब हमने जो है इनको कट कर दिया है। अब कट करने के बाद हमारे जो हेयर हमारी जो आईब्रो पर एक्स्ट्रा हेयर आते हैं उनके लिए हमें क्या करना है, हमने लेना है पाउडर। पाउडर जो है हमने इस तरीके से अपनी आईब्रो पर हल्का हल्का पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने से क्या होगा, हमारी ये जो आईब्रो की जड़ें हैं ये हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। पर एक बात हम हमेशा ध्यान रखें कि आईब्रो करवाते समय आप कभी भी जो है इस पर क्रीम ना लगाएं, इससे क्या होगा आप जिससे आईब्रो बना रहे होंगे वो जो है आपका धागा जो है स्लिप कर सकता है और आपको कट लग सकते हैं। तो आप देखिए अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, इससे आपको पेन नहीं होगा। अब ये अभी आपको हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप दूसरे पे कैसे अप्लाई करो कि आपको कट ना लगे और दर्द ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, थ्रेड लेनी है और ये थ्रेड जो है आपकी ग्रीन कलर की होनी चाहिए क्योंकि थ्रेड दो कलर में आती है, एक वाइट कलर में और एक ग्रीन कलर में। तो आप वाइट वाली क्योंकि थोड़ी सी कच्ची होती है और वो बीच में जो टूट भी जाती है और उससे भी आपको जो कट लगने का खतरा हो सकता है, और अगर कट लगेगा तो इससे आपकी आंखों को भी जो है तकलीफ हो सकती है। तो आपने एक ग्रीन कलर का धागा लेना है, इसमें आपने जो है इस तरीके से ये 10 प्रकार के आपने बट डाले हैं। अभी आप देखते रहिए कि खुद से आप कैसे इस पे कर सकते हो और जो इसके बाद आपको रैशेज होते हैं उससे कैसे अपनी आंखों को बचा सकते हो, ये भी हम आपको बताएंगे। अब आपने क्या करना है, ये देखिए हल्के हल्के तरीके से जहां आईब्रो पर आपके एक्स्ट्रा हेयर आए हैं सिर्फ आप एक्स्ट्रा हेयर पर जो है इसको इस तरीके से चलाइए ताकि आपके जो एक्स्ट्रा बाल आ गए हैं जो आपकी सुंदरता को हटा रहे हैं या आपकी आईब्रो की शेप को जो है कम कर रहे हैं उनको ये ठीक कर सके। इस तरीके से आपने ज्यादा बिल्कुल टाइट नहीं करना है, इससे भी क्या होगा आपकी जो स्किन है वो खिंचकर ऊपर की तरफ आ सकती है और आपको जो है कट लग सकते हैं बिल्कुल आपने हल्के हल्के हाथों से, और इसी तरीके से जो है आपने इस आईब्रो को करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने जो ये टेप लगाई हुई है, टेप का आईब्रो बनाने में क्या इस्तेमाल है। तो अब आपको जैसे ये तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप दूसरे पर्सन पर जो है इसको जो है अप्लाई कर सकते हो और बिना कट लगे और बिना दर्द के जो है आप इसको जो है आईब्रो बना सकते हो। अगर आपने आईब्रो जो है अब अपने खुद से बनानी हो, खुद पर बनानी हो वो भी बिना दर्द के और कट लगे, तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है ये टेप। ये टेप जो है डॉक्टर टेप है और आपने क्या करना है इसको जो है अपनी आईज पर इस तरीके से लगाना है। ये देखिए आपने जरा सा इसको आंखों के ऊपर लगाना है, ये देखिए आंखों के ऊपर लगेगी, फिर आपने ऊपर ये जो स्किन है इसको आपने खिंचाव देना है और फिर इस तरीके से इसको नीचे की तरफ लेना है। ये देखिए अब ये यहां से टाइट हो गई है और ऐसे ही आपने सेम इतने ही साइज की टेप और लेनी है और अब आपने क्या करना है इसको जो है आईब्रो की ऊपर की तरफ लगाना है ताकि ये जो है ऊपर की स्किन को, ये देखिए अब ये ऊपर की तरफ जो स्किन है आपकी खिंच चुकी है, अब आपकी दोनों स्किन में जो है इस तरीके से खिंचाव आ चुका है यानी यहाँ की स्किन टाइट हो चुकी है। अब जब यहाँ पर आप जो है ये धागा चलाएंगे तो ये धागा चलेगा और आपको दर्द भी नहीं होगा और आपको जो है इससे कट भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ये आईब्रो बनानी है। और आईब्रो कई लोग कहते हैं कि उनकी आईब्रो की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है या फिर उनकी आईब्रो जो है सही से नहीं आती है, तो उसका भी अभी मैं आप देखते रहिए अभी आपको एक फार्मूला बताऊंगी। ये इस तरीके से आपने जो है इसको बिना दर्द के और बिना कट लगे और अपनी आंखों का बचाव करते हुए आप इस तरीके से घर पर आईब्रो कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें भी जो ये बट लगे थे ये आईब्रो के ये भी 10 ही लगे थे। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लेना है एलोवेरा, एलोवेरा जेल आपने लेना है इसमें, क्योंकि इससे क्या होगा कई जो
लेडीज होती है उनकी आईब्रो की शेप अच्छी नहीं आती है और उनको जो है आईब्रो बनाते हुए बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आपने इसके बाद क्या करना है ताकि आपको रैशेज ना पड़े इस तरीके के, आपकी स्किन पर छोटे छोटे दाने ना हो और आपको जो है आईब्रो में पेन भी ना हो, आईज में भी पेन ना हो, तो उसके लिए आपने एलोवेरा जेल से इस तरीके से आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। धन्यवाद।